भाई और बहनों, मैं सावरकांटा ऐसे समय आया हूं जब देश आजादी के 75 वर्ष पूरे करने वाला है और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी वर्ष आजादी की जंग के दौरान पाल गढ़वाल आदिवासी नरसंहार, पाल चितरिया घटना, एने पर 100 वर्ष थी रहा है। आदिवासी नायक मोतीलाल तेजावत जी एमना नेतृत्व में आदिवासियों अंग्रेजों ने विरुद्ध में जंग माड्यो, अंग्रेजों ना पाया हलावी दीदा था। आ मारु साबरकांठा, आप रघवाया थे अंग्रेजों, आ पाल गढ़वाल आदिवासियों नरसंहार करो, मौत ने घाट उतारया। परंतु दुर्भाग्य आजादी पछी आ घटना भूलावी देवामां आवी। अमारू सौभाग्य तो के जनजातीय समुदाय नो त्याग अने बलिदान ये आवनारी पेढ़ियों ने खबर पड़वी जोईए। अने एटला माटे आपणे पाल चितरियानी अंदर शहीदों ना स्मारक ने एने फरी एवार दुनिया ने सामे लावामां आपणे सफल थया। अने आजे शहीद स्मृतिवान उन अमर बलिदानियों से प्रेरणा है, नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति का रास्ता दिखा रहा है। मेरा यो भी सौभाग्य रहा कि प्रधानमंत्री के रूप में आजादी के लिए आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का भी अवसर मिला है। हमारी सरकार ने 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा एमना जन्मदिवस ने जनजातीय गौरव दिवस तरीके आखो देश मनावे ये हमें निर्णय कर्यो छे। हमारी सरकार देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम इन सेनानियों की याद में विशेष संग्रहालय भी बनवा रही है। साथियों, आजादी के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर एक और बड़ा संयोग हुआ है। पहली बार जनजातीय समाज से आने वाली देश की बेटी भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंची है। देश ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है। 130 करोड़ से अधिक भारतवासियों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। जिस समावेशी लोकतंत्र का सपना आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले हमारे पूर्वजों ने देखा था, वो आज साकार हो रहा है।